क्या हुआ पापा जी? वही हुआ ना जो मैंने कहा था, झूठ बोल रही थी ना वो। नहीं मैच हुआ ना डीएनए रिपोर्ट। हंड्रेड परसेंट मैच है। सच कह रही थी, ये तो साडा हारमोनी है। क्या ना तो पूछे नहीं ना की तरह बरखुरदार हरमन। बड़े दिनों के बाद पीने का आनंद आ गया। आय हाय हाय, अब एक और चीज करते हैं जो हमें बहुत पसंद है। हो जाए मेरी भी एक माँ है बिल्कुल तेरी तरह, और मेरा बाप है ना बिल्कुल हरक सिंह की तरह है। भरा पूरा परिवार है मेरा। हरक सिंह प्लीज अब तो मुझ पे यकीन करो। तुझे बेटे जैसा समझा, बेटा नहीं समझा, बेटा हमारा एक ही है और एक ही रहेगा। सुना सुने मुझे हमारे परिवार की खुशी, अब दोनों का बेटा यही है हमारे हरमन जी। मैंने कहा था, मेरे घर रात को कहा था, मैंने कहा था मुझे एहसास हो गया कि हमारा बच्चा। मैंने कहा था क्या है वो तुम पर जाए। हरमन सो में है किधर? मैं उनके कमरे में देख के आता हूं। वैसे आपकी जिंदगी में बहुत इत्तेफाक होते हैं ना, अब मेरा मतलब आप दोनों का इस कमरे में होना, हवा का चलना, दरवाजा बंद हो जाना, आपको पता भी नहीं चलना, इत्तेफाक है। सुनिए वैसे उस हरमन की ब्याहता पत्नी आज भी मैं ही हूं, ये भी एक इत्तेफाक ही है। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो माए, तुम्हारा वजूद इस घर में मेरी वजह से था और आज भी तुम्हारा वजूद इस घर में मेरी वजह से ही है। यहीं तो बुलाया था। वीर जी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हीर ने बुलाया ना, वो यही कहेगी कि तुम दोनों एक हो जाओ, मुझे नहीं होना एक। पागल हो गई है क्या सिमरन? किस बात का गुस्सा है तुझमें? जी, प्लीज आप तो समझो। तुझे क्या लगता है मैं भी तुझे नहीं समझता?
बचपन से हर उस बात के लिए माँ और डैड से लड़ जाता था जो मुझे लगता था तेरे लिए बेस्ट है। मैं चाहता हूँ हर हाल में तुझे तेरे लिए बेस्ट ही मिले। जानती हूँ वीर जी, इसलिए तो बचपन से अपने दिल की बात मैंने सिर्फ आपसे शेयर की है, सिर्फ आप पर भरोसा किया, अलजीत वीर जी पे भी नहीं। तो सिमरन एक बार अपने भाई पर और भरोसा रख। सिमरन, मैं रोहन वीर जी को ना कॉलेज से जानता हूँ। कोई भी लड़की उनको पाकर अपने आप को लकी समझेगी। और थोड़ा सा गुस्सा होगी, थोड़ी सी लड़ाई होगी तो क्या, रिश्ता तोड़ लेगी। सिमरन, मेरे और हीर की वजह से तू अपनी लाइफ बर्बाद मत कर। लेकिन वीर जी। सिमरन, देख तू मुझे राखी बांधती है ना, तुझे उस राखी की कसम है। एक मौका और दे वीर जी को, ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। उनसे बेस्ट लड़का तुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन सिर्फ आपके लिए। एक ही ना मेरी बहन मिली बात। ये हीर अभी तक आए क्यों नहीं? चले ना वीर जी, हम चलते हैं यहाँ से। अब नहीं नहीं, 5 मिनट और वेट करके देखते हैं। बुलाया तो यहीं था उसने। अर्जुन, देखो मैं मानता हूँ कि मैं सट्टे में 1 करोड़ रुपया हारा हूँ और वादा करता हूँ पूरा पैसा चुका दूंगा मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, मैं पहचान ही नहीं पाई उन्हें। लेकिन आपको पता है मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार की खातिर किया। मुझे शक था कि वो हरमन जी नहीं है। और अभी लेकिन मम्मी जी, अगर वो सच में हरमन जी है तो एक बार फिर से वो सौम्या के पास चल जाएंगे और फिर मैं उनके बिना, मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? उनके बिना मैं कहाँ जाऊंगी? तू पागल हो गई है? हाँ, इतना सब कुछ हो रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं सड़क पर मिली हूँ, किसी ने धमकी दी है, घर में इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ, सबके सर में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया, और तुझे इस बात की पड़ी है? हरमन सोम्या नहीं है, रूम खाली पड़ा। हरमन कमरे में नहीं था। सोम्या को पता चल गया होगा। पापा जी, ये सौम्या लेगी हरमन जी को कहीं दूर यहां से। सौम्या को पहले से पता था, अगर उसे हरमन को ले जाना होता ना तो कब का ले जा चुकी होती। उसे यहां हमारे सामने रहने की जरूरत नहीं थी हरमन को लेकर। उसे पता था कि यह हरमन है, उसने हरमन को पहचान लिया था। हमने नहीं पहचाना था, हमें सबूत चाहिए था, उसे नहीं। ये टेस्ट होगा सौम्या, और ये साबित हो जाएगा कि तू इस परिवार का हिस्सा है या नहीं।
मैं हरमन को फोन करना। कैसे बिछड़ गया? कहाँ है अरमान? कहाँ है? यहाँ क्यों बुलाया? गार्डन में घूमने के लिए बुलाया क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम कौन से नए नाटक की प्लानिंग कर रहे हैं? बताता हूँ भाई, सब बताता हूँ। देखो, तुम्हारा 1 करोड़ रुपया सट्टे में हारा हूँ, जानता हूँ। और मैं वादा करता हूँ पूरा पैसा चुका दूंगा मैं। हाँ, एक काम करो, अभी फिलहाल के लिए 50,000 रुपया रखो। अबे साले, इतने दिन से घुमा रहा है और यहाँ अचानक बुला के तू पैसे देने की बात कर रहा है। कहाँ से कैसे देगा? 1 करोड़ रुपए लॉटरी लगी है क्या? कोई लॉटरी ही समझो। यहाँ का जो DSP है ना, संतबख्श सिंह, उसकी बेटी को फंसाया है मैंने।
एक्चुअली मेरे भाई का फोन था, वो भाई जिससे माँ ने 2 साल पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे घटिया इंसान की तो मैं हड्डियां तोड़ दूँ। माँ मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, अपनी बहन को भी तकलीफ दी और सिमरन के साथ भी धोखा किया मैंने। अपनी गलती का एहसास हो चुका है मुझे। बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद ही अर्जुन बनेगा डीएसपी का जमाई। समझो कि अर्जुन का जैकपॉट ही लग गया है। और आगे से ना यार ये कॉलर वगैरह मत पकड़ना, मैं अब बड़े आदमी का बड़ा दामाद बनने वाला हूं। सिमरन, भले ही तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, जो तुम्हें लगता है सही वो करो, लेकिन प्लीज एक बार मुझे अपनी बेटी से तो मिलने दो। भाई कौन है ये? विराट सिंह, डीएसपी संबक्ष का बेटा। हाथ गंदे मत कीजिए, जल्दी पुलिस को फोन कर। नहीं वीरजी, नहीं, मेरी गलती थी। मैंने इस इंसान पर दोबारा भरोसा किया, ये इंसान भरोसे क्या, अपनी शक्ल दिखाने तक के लायक नहीं है। सही कहा था आपने वीरजी, बहुत बड़ी गलती करने वाली थी मैं। इस इंसान की वजह से मेरा और रोहन का रिश्ता बर्बाद करने चली। आपने ना सिर्फ मुझे पर मेरे पेट में पल रहे किसी और के बच्चे को भी अपनाया। यार सिमरन, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, हमारे बच्चे पे ना बुरा असर पड़ सकता है तुम्हारे रोने से। देखो मैंने तुम्हारा सारा सामान जो है ना वो एक हाथ की दूरी पर रख दिया, ठीक है, जो जो चाहिए उठा लेना। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। ये थैंक यू शैंक यू वाली फॉर्मेलिटीज जो है ना ये अजनबी लोगों के साथ की जाती है, अपनों के साथ नहीं। I'm sorry, सिमरन। रोहन ने मुझे मेरी बच्ची के साथ अपनाया और मैंने उसकी अच्छाई पर कैसे शक कर लिया वीर जी। आज हीर ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कोई बात नहीं सिमरन, गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर बाद में पछतावा देते हैं। काश मैं ये बात हीर को भी समझा पाता। बस एक बात समझ नहीं आ रही, हीर ने हमें यहाँ सच दिखाने के लिए बुलाया था और खुद ही यहाँ नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? बुद्धि हो गई है प्रीतो सिंह, पर बुद्धि नहीं आई तुझे। अरे ऐसे धमकी भरी चिट्ठी कौन भेज सकता है एजल के अलावा? हाँ भाई बताओ तो सही,
कैसा लगा मेरा पहला नजर आना? हाँ चीख सुनी हरमन की? हाँ For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.